न्यूट्रिशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं का वजन घर पर रहती है उन औरतों का वजन बढ़ जाता है। ऐसे में वजन किस तरह कम करें कि वो घर का काम भी करती रहे और उनका वजन भी कम हो जाए। तो आज घरेलू महिलाओं के लिए वजन कम करने के कुछ टिप्स है जो लेके आए हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर। गृहिणियों के लिए आज बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आपका भी वजन बढ़ रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान है कि आपके वजन को किस तरह कम करें, तो आज कुछ ऐसे टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। सारे घरेलू नुस्खे में ये बात जरूर बताती हूँ कि चाहे महिलाएं हैं, अपने घर के काम में व्यस्त रहती है, लेकिन कुछ समय अपने आप को जरूर दीजिए। यानी कि आप चाहे घर का काम जल्दी उठ के भी करना पड़े, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा योग और एक्सरसाइज के लिए जरूर समय निकालें। ऐसा करने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, फिट रहेगी और आपका वजन भी अगर बढ़ रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। कहूंगी कि आप योग करिए, यानी कि कपालभाति प्राणायाम करिए, जिससे कि वजन बिल्कुल कम हो जाता है। तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, यानी कि कपालभाति प्राणायाम आप कर सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा देर नहीं होता है तो 20 मिनट तो आपको कंटिन्यू कपालभाति कर लेना चाहिए। ऐसे पेट संबंधी भी अगर कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपको पूरी तरह से तरोताजगी मिलेगी, आप में पूरी शक्ति मिलेगी और आप हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और आपका पावर बिल्कुल बढ़ जाता है और आपका वजन भी अगर बढ़ रहा है तो वो भी कम हो। जब भी आप खाए पिए तो अपनी डाइट हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा हेवी ना हो। यानी कि आपको खाने में बिल्कुल लाइट खाना खाना है, जैसे कि आपको फ्रूट ज्यादा लेना है, जूस ज्यादा लेना है, नींबू पानी लेना है, अंकुरित अनाज लेना है, जिससे कि आपका वजन बिल्कुल संतुलित रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि खाने में हमेशा संतुलित आहार लेना है, उसे ज्यादा खाना नहीं है। कई औरतों की आदत होती है कि घर पे रहते तो पूरे दिन उनका मुंह चलता रहता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपको एक नियम बना लेना है कि अगर वजन कम करना है तो 3 घंटे के अंदर आप कुछ खाएंगे, यानी एक जगह पे आपने बैठकर पहले कुछ खा लिया, उसके बाद 3 घंटे के बाद आप कुछ और खाएंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट रखते हैं तो आपका वजन बिल्कुल संतुलित हो जाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता, आप बिल्कुल हैवी नहीं होंगे। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं या फिर चाय या कॉफी कुछ ज्यादा लेते हैं तो उसे भी आपको कम करना होगा, क्योंकि मीठी चीजों से और चाय पीने से गैस बनती है और वो कई बार उसका गलत दुष्प्रभाव पड़ जाता है। यानी कि आप अगर पतले हैं तो मोटे होने लगते हैं, बहुत सारे लोग मीठा खाने से मोटे हो जाते हैं। हमेशा खाना खाने के बाद आप बिल्कुल भी सोए नहीं, यानी कि थोड़ा सा ही वॉक कर ले, लेकिन वॉक करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको खाना खाने के बाद सोना नहीं है, वॉक करना है सुबह और शाम दोनों टाइम पे। और खाना खाने का एक शेड्यूल होना चाहिए, अगर आपने सुबह ज्यादा हेवी खाना खाया है तो शाम को लाइट खाना खाना चाहिए और शाम को हमेशा खाना आपको 7 बजे 8 बजे के अंदर तक खा लेना है। इससे ज्यादा लेट अगर आप खाते हैं तो भी वजन बढ़। आपके घर सीढ़ियां है तो आप 10 मिनट कंटिन्यू ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़े, या फिर अगर आप किसी बिल्डिंग में रहती है वहां सीढ़ियां है तो आप 10 मिनट तक सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि जब भी आप चढ़े उतरे तो 10 मिनट तक कंटिन्यू सीढ़ियों का यूज कर लीजिए। ऐसा करने से भी वजन कम। महिलाओं में ये बात देखी होती है खाना खाने के बाद वो कई बार चाय पी लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। यानी कि खाना खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है 1 घंटे तक, तब भी आपका वजन बिल्कुल संतुलित रहेगा। तो वजन अगर नहीं बढ़ाना है तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना होगा। तो मेरे पास कुछ ऐसे छोटे मोटे टिप्स थे जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और वजन जरूर कम करें। थैंक यू सो मच।